ये कौन है? बाप लगता है देव मल्होत्रा का। ये शायद उसकी बहन होगी। हेलो। उस दिन तो तुम बच गए देव, अब की बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। मेरी आवाज तुम आखिरी बार सुन रहे हो। नहीं कुचाल, तुम्हारी ये मनहूस आवाज एक बार और सुनूंगा। उस वक्त तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी और तुम जिंदगी की भीख मांग रहे होगे। नहीं देव, नहीं, वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम मेरे काम में बहुत बड़ी रुकावट बन गए हो। तुम्हारा खत्म होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं शास्त्री को बड़े इत्मीनान से मारूंगा। लेकिन एक बात का अफसोस है मुझे ले। तुम्हारे साथ साथ मुझे तुम्हारे खानदान का भी खात्मा करना पड़ रहा है। जल्दी घर पहुंच जाओ देव, कहीं देर ना हो जाए। बाय। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया? चलिए उठिए, कम ऑन। अरे डैड, घर में बॉम्ब लगा हुआ। कम ऑन, दिस नो टाइम टू आर्ग्यू। कम ऑन, डैड को नीचे ले जा। माँ, माँ कहाँ? माँ, माँ, चल माँ। अरे क्या हुआ? चलिए। क्या हुआ? जल्दी माँ, कम ऑन, जल्दी प्लीज। बता ना। घर में बॉम्ब लगा हुआ। माँ, काका, 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 चलिए चलिए जल्दी काका, चलिए। माँ आप लोग कह रुके, मैं अभी आया। माँ सुबह घर में कोई आया था? मैं तो बाजार से अभी आई। डैड, मैं तो अभी क्लिनिक। हाँ, सुबह प्लम्बर आया था, वो बाथरूम का किचन का पाइप ठीक कर रहा था। काजी का? वो तो ऊपर बाथरूम में नहा रही है। ओह माय गॉड, कांची, 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 क्या हुआ भैया? काजी दरवाजा खोलो। भैया मैं नहा रही हूँ। चिता मित, कम आउट। What is the problem? कांची अंदर बॉम्ब लगा हुआ, प्लीज जल्दी आओ बेटा। जल्दी नीचे चलो, डैड के पास ले जाओ और नीचे का बाथरूम चेक करो। ओके, मम्मी। किसी ने फ्लैश नहीं यूज किया। थैंक गॉड। सूरज सिंह अभी भी शास्त्री साहब को मारना चाहता है, उनके साथ मीटिंग रखना बहुत जरूरी है। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं इसे। सूरज सिंह, आई न्यू हिम वेल। सर, आप और क्या जानते हैं इसके बारे में? अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड वेरी केपेबल, बहुत काबिल।
जीनियस कह सकते हैं उसे। मैं इसे कई बार मिला हूं, करीब 18-20 साल पहले। तब मैं डिफेंस डिपार्टमेंट में था। एक दिन मैं एक सोशल फंक्शन अटेंड करने गया था सीमा के करीब के एक कस्बे में, और वहां एक स्कूल टीचर ने स्टेज पर आधे घंटे के नाटक में करीब करीब 10 रूप बदले। सर वो टीचर सूरज सिंह ही था। सूरज सिंह, अ मास्टर ऑफ डिस्गाइसेस, पर सिर्फ भेष बदलने में ही नहीं बल्कि कई भाषाएं बोलने में भी माहिर था। तो मैंने फौरन सोच लिया कि आदमी हमारे बहुत काम का साबित हो सकता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और देश की मदद कर सकता है। तो अपने डिपार्टमेंट से इजाजत लेकर सूरज को जासूसी के लिए तैयार कर लिया। फिर सर? हमने उसे सीमा के पार दुश्मन देश में अपना एजेंट बनाकर भेज दिया, और कई साल तक वो बहुत अच्छा काम करता रहा। एक दिन पकड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ सर? फिर मैं उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में नहीं रहा, लेकिन बाद में पता चला कि ही इज बीन डिसओन्ड, सरकार उसे भूल गई। हर देश में यही पॉलिसी होती है ऑफिसर, नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू एक्नॉलेज इट्स स्पाइज। ऑफ कोर्स सर, लेकिन दुश्मन देश ने इसका फायदा उठाया और हमारे ही हथियार को ज्यादा धारदार करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। एंड नाउ ही इज एन एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट सर, एंड इट्स ऑल्सो डेंजरस टू योर लाइफ सर। ऑफिसर, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए अगर वो मुझे जिम्मेदार ठहराता है तो वो बेवकूफ है। एंड प्लीज रिमेंबर दिस, ही इज डेंजरस। अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मारेगा। ही विल डू इट एंड यू वोंट बी एबल टू स्टॉप हिम। मुझे बचाना आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। नो सर, ऐसा नहीं होगा। आवर कंट्री नीड्स यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द कोऑपरेशन। थैंक यू। थैंक्स सर। सर, यू नीड नॉट वरी, आई विल बी इन टच। थैंक यू। सर? यस। 2 अक्टूबर का आपकी जिंदगी में कोई खास महत्व है? 2 अक्टूबर हर हिंदुस्तानी के लिए महत्वपूर्ण दिन, हमारे राष्ट्रपिता का जन्मदिन। ऑफ कोर्स सर, लेकिन वो उसी दिन आप पर हमला करके देश में सनसनी फैलाना चाहता है। ऑफिसर, 2 अक्टूबर मेरा भी जन्मदिन है। ओके सर, थैंक यू सर। इरादा नहीं बदल सकते? नहीं, मैंने पैसे लिए और इस काम की जिम्मेदारी थी। जितना मिलता है उसमें तो गुजारा हो ही जाता है। सिर्फ गुजारा होता है ना, आराम से जीने को कहां मिलता है। कल हमारा परिवार बड़ा होगा, जरूरतें बढ़ जाएंगी। उसके लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं आप, वो भी दुश्मनों के बीच। अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बहुत सारी दौलत कमा के वापस आ जाऊंगा और मेरे पीछे वो साथ में पैसा पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, चलो विदा करो। अंजलि, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो तुम झूठ बोल रही हो या फिर किस्मत बहुत बड़ा छल कर रही है। मैं जिसके सीने में गोलियां उतारना चाहता हूं, तुम कहती हो वो देव बल्होत्रा मेरा बेटा है? मेरा? सूरज सिंह का बेटा? हाँ, देव बल्होत्रा तुम्हारा ही बेटा है। वो मेरी आंखों के सामने रहा और मैं पहचानने के बजाय उसे मारने की कोशिश करता रहा, और अब वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कैसा खेल है ये अंजू, कैसा खेल है? तो देव सिंह क्यों नहीं बना? वो देव सिंह क्यों नहीं बना जो? क्योंकि उसके जीवन में
बाप नाम का सूरज कभी नहीं उगा। तुम तो उसकी जिंदगी में साया भी नहीं बन सकी, परछाई भी नहीं थी तुम्हारी जो उसे दिलासा दे सके। अंजू, अतीत के थप्पड़ों का दर्द कब तक महसूस करते रहेंगे? अब तो सब कुछ मिल गया मुझे, तुम मिल गई, मेरा बेटा मिल गया मुझे। क्या हुआ अंजू, सच्चाई की तरफ पीठ क्यों कर ली? क्योंकि सच्चाई वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सच्चाई ये है कि मुझे वो सब कुछ भूल जाना पड़ा जो तुमसे जुड़ा हुआ था। क्या तुम मुझे भी भूल गई? आपको क्या याद रहा? अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना परिवार, क्या करती मैं जब मुझे पता चला कि मेरी मां का सिंदूर मिट चुका है, मेरा सुहाग। झूठ था वो, गलत खबर थी, नसीब का शिकार हो गया था, जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में मिली मुझे। आज किस्मत मेरे कहने पर चलती है अंजू, मेरे कहने पर। वापस आ जाओ अंजू, वापस आ जाओ। ये अब मुमकिन नहीं है सूरज, क्योंकि तुम्हारी उस पत्नी की मांग में किसी और का सिंदूर भरा है। मेरे बेटे को एक बाप का नाम मिल गया है, उसी फरिश्ते की एक बेटी है जिसे मैंने जन्म दिया है। हमारा एक परिवार है, मेरा घर अशोक वाटिका जैसा है जहां घुसने वाला रावण भी अपमानित हुआ था। तुम मुझे धमकी दे रही? सच्चाई के साथ साथ विनती कर रही हूँ, मेरे स्वर्ग में आग मत लगाना। मेरा बेटा इस देश का सिपाही है और तुम देशद्रोही बन गई हो। जो अपने देश का नहीं है वो किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। ये तुम कह रही अंजू? ये नहीं हो सकता, जिस आदमी का सीना मेरी कौली ढूंढ रही है वो मेरा बाप नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि सच कड़वा होता है, आसानी से गले नहीं उतरता। कभी कभी सत्य, जिसे हम इस संसार में परम कहते हैं, इतना बेरहम होता है कि बरसों के रिश्ते को चकनाचूर कर देता है। फिर वो सच पाप है डैडी, पाप। उससे अच्छा कि हम झूठ के सहारे जिए जो कलेजे को छलनी नहीं करते। काजी, ए काजी, काजी रो क्यों रही है तू? काजी, काजी रो क्यों रही है तू? सुनो, क्या मैं तेरा भाई नहीं हूं? क्या मैं तेरा भाई नहीं हूं? काजी, काजी, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि तू मेरी बहन है। तू मेरी बहन है काजी, तू मेरी बहन है। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि वो इंसान तुम्हारा बाप है। और एक हकीकत ये भी है कि आप मेरे डैड हैं, काजी मेरी बहन है और वो मेरी माँ है। देखो बेटा, सच्चाई को। सच्चाई मैं जान गया हूं डैड। चलो माँ, अब तुम मेरे बाप और अपने पति के साथ रहना। चलो चलो माँ, चलो माँ। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर मुझे क्यों उस नए रिश्ते के जाल में फंसाया जा रहा है? क्यों? मैं तो सिर्फ तुम्हें हकीकत बता रही थी। हकीकत, 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 हकीकत तो ये भी है माँ कि वो तुम्हारा पति है, कानूनी तौर पर, कुदरती तौर पर। लेकिन क्या उसकी मौत पर तुम अपनी मांग से सिंदूर मिटा दोगी? उतार दोगी कलेश से मंगलसूत्र? देव, तोड़ दोगी कलाई की चूड़ियां? भैया प्लीज। पहन लोगी सफेद साड़ी? विधवा का रूप धारण कर लोगी? बोलो माँ, बोलती क्यों नहीं माँ? उसकी मौत पर खुद को विधवा मान लोगी? बोलो। मेरा सुहाग, मेरा सुहाग यही है, यही है मेरा सुहाग। बस माँ, बस। जिसने तेरे इन आंसुओं की परवाह नहीं की उसके लिए एक भी आंसू बर्बाद मत करना, एक भी आंसू बर्बाद मत करना माँ, बर्बाद मत करना।
फैसला हो चुका है मां। जिस रिश्ते को तुम नहीं मानती उसे मैं कैसे मान सकता हूं। अब उसका मेरा एक ही रिश्ता होगा जो एक वफादार सिपाही का एक देशद्रोही के साथ होता है। मेरे रिवॉल्वर से निकली गोली होगी और उसका नापाक सीना। हेलो, यस, हाँ हाँ, देव, योर फादर। हाँ डैड। देव, देव मेरे बेटे। ट्रेस कॉल इट हिम। या। क्विक, आई कीप हिम बिजी। मेरे बच्चे, ये कैसा खेल है किस्मत का? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हक तुझे किसने दिया गुजराल? गुजराल नहीं बेटा, सूरज सिंह हूँ मैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ बाप। बेटे, एक बात सच सच बताओ। ये तो तुम भी चाहते हो ना कि तुम मेरे बेटे हो, हैं? और मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप कहलाने का हक तुझे किसने दिया सूरज सिंह? कुदरत ने बेटा, कुदरत ने दिया है। अंजलि, तुम्हारी माँ मेरी पत्नी है बेटा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा कहर टूट पड़ा है मुझ पर। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। तुम किसी के बाप नहीं हो सकते सूरज सिंह। किसी के बाप नहीं हो सकते? बाप तो विश्वास होता है जो बच्चों को चलना और बोलना सिखाता है, सच और झूठ का फर्क दिखाता है। लेकिन तुम तो कुछ नहीं बन सके सूरज सिंह, सिर्फ एक देशद्रोही, एक खूनी। क्या बिगाड़ा था उन बच्चों ने तुम्हारा, जिनकी तुमने हत्या की? क्या बिगाड़ा था टीना ने तुम्हारा? तुमने न जाने कितने बेगुनाहों को मारा है सूरज सिंह। तुम्हारा खत्म होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं बेटे, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार शास्त्री है, मैं नहीं। शास्त्री है, मैं ऐसा बाप नहीं था। सर, एम्बुलेंस की आवाज यहां भी आ रही है, वो कहीं नजदीक है। आप इसे बिजी रखे, मैं अभी आया। Bronson, आसपास चेक कर लो। He's got to be around.